नंदग्राम थाना क्षेत्र के आश्रम रोड से कार सवार लोगों द्वारा अगवा कर दिल्ली की महिला से सामूहिक दुष्कर्म व दरिंदगी की फर्जी घटना में आरोपित शातिर महिला पिंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित महिला घटना वाले दिन से दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती थी। वहीं शनिवार शाम को अस्पताल से डॉक्टरों द्वारा डिस्चार्ज करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जेल में भेज दिया गया। मामले में आरोपित महिला के मित्र व दो साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त ऑल्टो कार व बोरा बरामद कर लिया। आपको बता दें क्या है ये पूरा मामला। जीटीबी एनक्लेव की महिला पिंकी 16 अक्टूबर को नंदग्राम में अपने भाई का जन्मदिन मनाने आई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि यहां से वापस जाते हुए स्कॉर्पियो कार सवार चार लोगों ने उसे हथियारों के बल पर अगवा कर लिया और एक जंगल में ले गए। यहां आरोपितों का एक और साथी पहले से मौजूद था। पांचों ने मिलकर उसके साथ दो दिन तक सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी। आरोपित 18 अक्टूबर तड़के उसे बोरे में बांधकर आश्रम रोड पर ही छोड़ गए। आपको बताएं, मामले में महिला के भाई ने पांच लोगों का नामजद कराते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुरुआती जांच में पुलिस को ये घटना संदिग्ध लगी और महिला को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए महिला के मित्र व तीन अन्य साथियों को फिर गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों ने कबूल किया है कि उन्होंने दिल्ली के एक मकान पर कब्जे के लिए इस फर्जी सामूहिक दुष्कर्म की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।